हक और सब्र की वसीयत करना। अब वसीयत किसकी कही जाएगी? आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसकी वसीयत कर सकते हैं आप। ये तो नहीं कि पड़ोसी का मकान है और उसकी वसीयत किसी दूसरे के नाम कर दे। तो हक की वसीयत कब होगी? जब ये लोग कहे कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो वसीयत वाला यानी हक वाला वो हक की वसीयत कर सकता है। जिसके पास हक नहीं है तो वो फिर हक की क्या वसीयत करेगा? तो सबसे पहले तो अपनी वसीयत उसको बनाए। तो फिर ये हक की वसीयत और ये सब्र की वसीयत करना हुआ।